हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो ये है हमारा डे टू पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ से हम जाने वाले हैं आज दूसरे आइलैंड पर। और हमने कर दिया है अपना होटल चेकआउट। और यहाँ पर ओला उबर कोई भी कैब की एप्स नहीं चलती हैं, यहाँ पर आपको लोकल ऑटोज़ मिल जाएंगे नियर बाई प्लेसेस पर जाने के लिए। तो हम जाने वाले हैं क्रूज़ पर, दूसरे आइलैंड पर। और अब हम जा रहे हैं क्रूज़ के लिए जेटी पर। जहाँ पर क्रूज़ मिलता है उसको जेटी बोला जाता है। तो हमने लिया है लोकल से ही ऑटो और हम जा रहे हैं क्रूज़ के पास अपने जेटी की तरफ, जो कि था हमारे होटल से 2 to 3 kilometers। तो ये है आज का मौसम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है क्योंकि रात को हुई है यहाँ पर बारिश। और ये आ गए हैं हम फाइनली जेटी के पास, जेटी पहुँच गए हैं हम। यहाँ के हमने सब कुछ देखा है कि जेटी पर कैसे कैसे होता है। और यहाँ पर पार्क होते हैं सारे क्रूज़ जो कि जाते हैं अलग अलग आइलैंड्स पर। और हमने किया था अपना पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक आइलैंड के लिए। पोर्ट ब्लेयर भी एक आइलैंड है और हैवलॉक एक सेकेंड आइलैंड है और एक और थर्ड आइलैंड है, वो आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो हमने फर्स्ट डे किया था ग्रीन ओशन टू बुक, और हम अब आपको दिखाने वाले हैं कि ग्रीन ओशन टू का सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है। और आपको आगे व्यू दिखाने वाले हैं कि आपको कैसा कैसा व्यू देखने के लिए मिलेगा ग्रीन ओशन के अंदर से। अगर आप नीचे वाली सीट्स बुक करेंगे तो उसको बोलते हैं प्रीमियम, और प्रीमियम सीट से आपको नीचे से व्यू दिखेगा। और हमारी थी सीट ऊपर, हमने ऊपर के टिकट्स बुक की थी, तो हम आपको ऊपर दिखाते हैं। ऊपर का सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा है और इसको बोलते हैं हम रॉयल सिटिंग, जो कि है अपर साइड पर। अगर आप ऊपर की सीट बुक करना चाहते हैं तो उसको रॉयल बोलते हैं। वहाँ से आपको और ज़्यादा अच्छा व्यू मिल जाएगा देखने के लिए बाहर। तो देखिए बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है देखने के लिए। और हमारा तो कुछ और करने के लिए मन ही नहीं कर रहा था, तो हम व्यू ही देख रहे थे बैठकर। हमने इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं किया, अपना टाइम स्पेंड किया और देखा कैसे कैसे क्रूज जाते हैं और क्या क्या होता है यहाँ पर। और अगर आप प्रीमियम सीट बुक करेंगे तो आपको टिकट पर पर्सन 900 to 1000 की पड़ेगी अराउंड। और अगर आप रॉयल की बुक करते हैं तो वो हो जाती है थोड़ी सी कॉस्टली, वो आपको अराउंड 1200 to 1500 की पड़ेगी। और आप गवर्नमेंट फेरी भी ले सकते हैं, हम आपको आगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाले हैं कि गवर्नमेंट फेरी का कैसे होता है और गवर्नमेंट फेरी का क्या क्या चार्ज रहेगा, कैसे कैसे क्या है, उसका भी आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे हम आगे। और गवर्नमेंट फेरी में आपको ऊपर थोड़ा सा ओपन भी मिल जाता है, ये वाली जो होती है प्राइवेट होती है, इसमें आपको ओपन नहीं मिलेगा, ये पूरा कवर्ड रहता है। और वैसे भी ऑन सीज़न अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ऑफ़ सीज़न में आपको ऊपर जाने नहीं दिया जाता है। और इसमें क्रूज़ में आपके लिए कैंटीन भी अवेलेबल होती है, बट लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आप कोई बाहर की शॉप से कुछ 20 rupees का चिप्स परचेज करेंगे और अगर यहीं से ही आप वो सेम चिप्स क्रूज़ में लेंगे तो आपको 100 rupees का पड़ेगा। और हम ये प्रेफर करेंगे कि आप अपना स्नैक्स का अरेंजमेंट पहले ही कहीं बाहर से ले लें, क्योंकि अगर आपको ट्रिप पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करनी है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जिसकी कोई एज सच नीड नहीं होती है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं हैवलॉक, और हैवलॉक में जेटी से बाहर निकलते ही हमें दिखते हैं नारियल और हम पूछने चले जाते हैं कि यहाँ की स्पेशलिटी है क्या ये। तो वो लोग हमें बताते हैं कि यहाँ पर 2-3 तरीके के नारियल मिलते हैं और इसके अंदर जो पानी की क्वांटिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हम दोनों ने पिया नारियल, उसके बाद चल दिए हम कैब ड्राइवर के साथ अपने होटल की तरफ। और यहाँ पर होटल्स की रेंज जो है वो 1500 से स्टार्ट हो जाती है, आपको इजीली होटल मिल जाएगा। और हमने ये वाला होटल प्री बुक नहीं किया था तो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ गया था। सो हमने करी है स्कूटी रेंट, और जिसका रेंट है यहाँ पर 300 per day। तो अब हमें लगी है भूख, तो हम आ गए हैं कुछ खाने के लिए बाहर। तो यहाँ पर सी फूड्स की तो काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी, बट वेज शॉप्स काफ़ी कम होती हैं। तो हमने एक ऐसी शॉप देखी है जहाँ पर दोनों चीज़ें अवेलेबल थी। अब हम पहुँच चुके हैं हैवलॉक में, और हमने हैवलॉक में आके बहुत सारे होटल्स एक्सप्लोर किए हैं। उसके बाद हमने एक लास्ट होटल फाइनलाइज़ किया है। अब हमें लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो हम आए हैं
चाइनीज़ खाने, मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ बट ये खाते हैं नॉनवेज, तो ये खाने वाले हैं प्रॉन्स और मैं खाऊंगी चाइनीज़। पहुंच गए हैवलॉक और हैवलॉक में आके हमने करी स्कूटी रेंट, और जो हम पोर्ट ब्लेयर में रेंट करी थी तो वहाँ पे 600 रुपये लिए थे और यहाँ पे 300 रुपये लिए हैं। 300 रुपये एक दिन से लेते हैं लोग और सिक्योरिटी जमा करते हैं, कुछ सिक्योरिटी जमा करते हैं, कुछ अगर आप ठोक ठाक दें तो उसमें आपकी सिक्योरिटी से काट लेते हैं। तो हमने कर दिया है यहाँ पे खाने के लिए ऑर्डर और दोनों ने किया है अलग अलग ऑर्डर, तो अब आपको आगे दिखाते हैं हम दोनों ने अपने लिए क्या क्या ऑर्डर किया है, क्योंकि मैं तो हूँ प्योर वेजिटेरियन, नहीं मैं हूँ वेजिटेरियन और ये है नॉन वेजिटेरियन। तो इन्होंने अपने लिए किया है नॉन वेज में, कुछ नॉन वेज नहीं कह सकते, सी फूड कह सकते हैं, सी फूड इन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया है और मैंने किया है अपने लिए चाइनीज़ ऑर्डर। तो फाइनली आप खा रहे हैं प्रॉन्स, क्या कहना है आपका इसके ऊपर? आगे बताते हैं। फाइनली आप खा रहे हैं प्रॉन्स, क्या कहना है आपका? मस्त एकदम। कैसा लगा आपको प्रॉन? बहुत बढ़िया ये प्रॉन्स। और मैंने किए थे यहाँ पे अपने लिए मोमोज एंड फ्राइड राइस ऑर्डर, क्योंकि ये चीज़ थी कॉमन, फ्राइड राइस हम दोनों खाते हैं काफ़ी शौक से, तो हमने इसलिए किए हैं फ्राइड राइस एंड मोमोज ऑर्डर मेरे लिए, बिकॉज मैं नहीं खाती हूँ सी फूड और मैंने खाए हैं यहाँ पर फ्राइड राइस। और इसके बाद हम जाने वाले हैं, तो आपने इतना सारा खाना ले लिया, खा सकते वाले हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं आज। और अब हम जा रहे हैं अपने टू व्हीलर में पेट्रोल फिल कराने के लिए, क्योंकि वो लोग बिल्कुल पेट्रोल पंप तक जाने के लिए भी पेट्रोल देते हैं। तो हम निकल लिए हैं अब अपने पेट्रोल पंप की तरफ और यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉरेस्ट हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ड्राइव करने में मुझे वाकई में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और ये पड़ता है पेट्रोल पंप राधानगर बीच के वे पर, और ये आ गए हैं हम फाइनली राधानगर बीच पर पेट्रोल डलवाने के बाद। और यहाँ पर हो रही थी बारिश तो हमें बीच पर जाना अलाउड तो किया था लेकिन थोड़ी ही देर के लिए, तो यहाँ पर लॉकर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो हमने अपने फ़ोन कर दिए थे लॉकर में जमा। और यहाँ पर फिर हमने की थी थोड़ी सी शॉपिंग, आपको यहाँ पर कुछ सामान मिल जाएगा जो ओरिजिनल सामान होगा यहाँ का। उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ की फ्रूट चाट टेस्ट कर ली जाए, तो हमने खाई थी फ्रूट चाट और उसमें उन्होंने दिए थे वहाँ के ओरिजिनल फ्रूट्स जो थे सारे वहीं के थे, तो बहुत ही ज़्यादा यमी थी फ्रूट चाट। आप देख सकते हैं 40 रुपीज़ में हमें मिली थी ये फ्रूट चाट। और हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाले हैं राधानगर बीच का व्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि हमें पसंद आया है वो ही बीच बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमने यहाँ की सेव पूरी ट्राई की है और सेव पूरी खाने के बाद इन लोगों ने हमें ये चीज़ बताई है कि यहाँ पर सनसेट टाइम जो है वो सिमिलर है पोर्ट ब्लेयर से, 4 to 4:30 के अराउंड यहाँ पर भी हो जाता है सनसेट। और आपको यहाँ पर मोस्टली बंगाली लैंग्वेज सुनने को मिलेगी बिकॉज़ यहाँ पर बंगाली लोग ज़्यादा रहते हैं। सो गाइज़ हम आ गए हैं वापस अपने होटल की तरफ, क्योंकि हो रही थी काफ़ी ज़्यादा बारिश। और हमारे होटल का नाम आप देख सकते हैं, हैवलॉक आइलैंड रिजॉर्ट है हमारा होटल। और ये है हमारे होटल का एंट्रेंस, यहाँ पर आपको मिल जाएगी टू व्हीलर की पार्किंग अंदर ही, आप यहाँ पर अपना रेंट किया हुआ पार्क कर सकते हैं व्हीकल। और यहाँ पर इन्होंने साथ में ही एंटर करते ही प्रोवाइड किया हुआ है बार, इसमें ही आपको ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि ये स्टे के साथ ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और हमने किया है यहाँ पे वन डे के लिए ही बुक, क्योंकि इनका है कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बाकी होटल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लोग प्रोवाइड करते हैं बीच फेसिंग पूल और बाकी वाटर एक्टिविटीज़ भी आप इनके थ्रू कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड में ही ये रूम्स हैं, कुछ इस तरीके से इन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं। ये है यहाँ का कुछ ऐसा व्यू, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रही थी बारिश। और ये था हमारा स्विमिंग पूल जहाँ पे हमने किया था कुछ थोड़ा सा इंजॉय, और मैं वो वीडियोस डालूंगी इंस्टाग्राम पर, अगर आपको देखनी है तो मेरी आईडी पर जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारा रूम कैसा था
और ये है रूम्स के बाहर की सिटिंग, क्योंकि ये रूम्स जो हैं ये अपर वाले हैं और ग्राउंड वाले अभी आपने देख ही लिए हैं कैसे थे रूम्स। और हम आ गए हैं ऊपर, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारा रूम अंदर से कैसा है। सो ये है हमारा रूम, हमने किया है यहाँ पर वन डे स्टे, बट हमें करना है हैवलॉक में टू डे स्टे, तो हम करने वाले हैं सेकेंड डे स्टे कहीं और पर। और यहाँ पर था मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे 17 जुलाई को, तो हमने की थी वहाँ पर अकेले छोटे से केक की केक कटिंग। और इसी के साथ हम इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द।